वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और हमारी जो ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की वो क्या होती है। ठीक, अब आप इस लेक्चर में क्या देखते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस बताई थी। अब इस लेक्चर में आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड नो लोड ये देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। बेसिकली आपको फेजर बनाना चाहिए कि फेजर कैसे बनता है नो लोड पे। ठीक है, और नो लोड सर, तो पहले स्टेप हमारा क्या हुआ, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम आपका सिंपल सेम वैसा ही रहेगा, ये माना आपकी हो गई कोर। ठीक है, इस कोर पे आपकी वाइंडिंग होगी, यहां पे मेरी प्राइमरी वाली वाइंडिंग है। सही है, मेरी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, सही, और यहां पे मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये हो गई मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, ये मेरा होगा वोल्टेज सोर्स, सही, एसी वोल्टेज सोर्स या फिर एसी वोल्टेज सप्लाई। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करूं एसी वोल्टेज सोर्स है, तो यहां पर आपका आएगा आई वन, आपकी करंट फ्लो करेगी आई वन, आपकी मर्जी है, आप आई वन लिखिए, आई टू लिखिए, सही, नोटेशन आप कैसे कर रहे हैं आप पर डिपेंड करता है। यहां पे क्या, यहां पे क्या वोल्टेज होगा, यहां वोल्टेज होगा आपका ई वन। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स आएगा, वर्किंग में आपको समझा चुका हूं, तो ये मेरा हो गया फ्लक्स, ये मैं एक फ्लक्स की लाइन बना रहा हूं यहां पे, तो ये हो गया मेरा फ्लक्स, सही, फ्लक्स हो गया। देन यहां पे आपका क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये होगा ई2, सही, और ये आपका ओपन सर्किट या फिर नो लोड, कोई भी लोड आपका नहीं लगा हुआ है, सही। और अगर ये इसे हम बोले, इसे हम बोल सकते हैं वी1, मर्जी है हमारी कि हम इसे वी से रिप्रेजेंट करें या वी1 से रिप्रेजेंट करें। अगर यहां पे लोड लगा होता तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होता आपका वी2। अब आपको एक चीज समझ चाहिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मैंने कंडीशन बताई थी लॉसेस आपके कैसे होने चाहिए, लॉसेस आपके जीरो होने चाहिए। ठीक, उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि आपका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो कैसा रहना चाहिए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी आपका नेगलिजिबल या फिर जीरो होना चाहिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स आपका कैसा होना चाहिए। अगर मैं लीकेज फ्लक्स की बात करूं तो लीकेज फ्लक्स भी आपका जीरो होना चाहिए। अगर मैं परमियबिलिटी की बात करता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप या फ्लो कराने की एबिलिटी, तो वो कैसी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स परमियबिलिटी की बात हो रही है, परमियबिलिटी वो आपकी कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, सही। तो ये कुछ कंडीशन थी, और इसमें अगर मैं लिखना चाहूं, वैसे तो आपको पता चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, और मैं रिलेक्टेंस की बात करूं, सही, तो रिलेक्टेंस आपका क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, रिलेक्टेंस मतलब क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये रिलेक्टेंस मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, सेटअप हो रहा है, उसमें ये कितना विरोध कर रहा है उसका, तो बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ बेसिक एक कंडीशन होती है फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर। अब अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल, पहले मैं वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूं, बता लास्ट अच्छा ही बताया था, उसे रिपीट कर ले रहे हैं। सिंपली क्या होगा, देखिए यहां से आपकी ये जो वोल्टेज सोर्स है आपने अप्लाई करा, तो आपकी करंट फ्लो करेगी, इसे मैं बोलूंगा नो लोड करंट, सही। नो लोड करंट में क्यों बोल रहा हूं, प्राइमरी जबकि करंट है, क्योंकि यहां तो कोई लोड ही नहीं है ना, तो यहां तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी इस करंट को मैं आई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई नॉट का मतलब क्या होगा, नो लोड करंट। ठीक, तो ये आपका यहां से वी1 वोल्टेज अप्लाई करा, नो लोड करंट फ्लो हुई, आई1 बराबर आई नॉट रहेगा, फिर ये आपका इसके अल्टरनेटिंग टाइप की थी, तो इसकी वजह से ईवन ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो आपका फ्लक्स है, ये आपका कॉमन रहेगा इन मैग्नेटिक कोर के लिए। अब ये इससे लिंक करेगा, तो यहां पे आपका ये ई2 ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किससे होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से। यहां पर जो मैं ईवन को बोलूंगा, ईवन क्या होगा मेरा, इसे मैं बोलूंगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ,
और अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 मेरा क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। सही, लेकिन ये यहां पे मेरा ओपन सर्किट है तो इसकी वजह से यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो देखिए फेजर कैसे बनेगा, दरअसल जो मेरा I1 करंट फ्लो कर रही है, सही, ये मेरा I0 के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात, इस करंट का मैं बोलूंगा मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मेरे कोर में फ्लक्स को सेटअप कर रही है, इसकी वजह से मेरे कोर में फ्लक्स सेटअप हो रहा है, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं I से। सही, ये मेरी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक, ये मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो जो मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी किसके बराबर होगी, ये मेरी I1 के बराबर होगी, ठीक है, I1 के बराबर होगी, जो कोर में फ्लक्स सेटअप कराने के लिए यूजफुल है। सही, तो अगर फेजर की बात करूं, सिंपल फेजर देखिए कि भाई फेजर में मैं मेरा जो IM होगा, सही, ये मेरा IM हो गया और ये मेरा फाई, सही, ये मेरा सेम फेज में रहेगा, ठीक, क्योंकि IM की वजह से फ्लक्स बन रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि करंट की वजह से फ्लक्स सेटअप हो रहा है, सही, नॉर्मल करंट है तो करंट फ्लो कर रही तो फ्लक्स बनेगा, लेकिन सेम फेज में रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो भी नहीं है सेम होगी, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं अपने I1 और I की, तो जो मेरा V1 होगा, मैंने क्या बोला कि मेरे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है, तो ये यानी मेरी वाइंडिंग कैसी होगी, मेरी वाइंडिंग होगी प्योरली इंडक्टिव, सही है, यानी मैं अपने स्क्वायर को प्योरली इंडक्टिव मान रहा हूं, तो जब मैं प्योरली इंडक्टिव मान रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, मेरी करंट वोल्टेज से लैग करेगी, कैपेसिटर केस में लीड करती है, रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में रहती है, लेकिन ये मेरी जो कॉइल है प्योरली इंडक्टिव है, क्यों इंडक्टिव है, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 है, तो अगर ये प्योरली इंडक्टिव है तो मेरी जो करंट होगी वो 90 डिग्री लैग करेगी, किससे लैग करेगी, V1 से, यानी ये हो गया मेरा V1, ठीक है, जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं अपने E1 की, तो जो मेरा E1 प्रोड्यूस हो रहा है फैराडे लॉ से और लेंज लॉ का यूज हो रहा है, तो ये इसका अपोज करेगा, सेम E2 भी होगा वो भी इसका अपोज करेगा, यानी E1 और E2 ये आपके जस्ट एंटी फेज होंगे V1 से, और जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा, यहां मैं मान लेता हूं N1 टर्न्स है और यहां मैं मान लेता हूं N2 टर्न्स है, सही, तो जो मेरा E1 का मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा V1 के बराबर होगा, लेकिन एंटी फेज, यानी मैं बोल सकता हूं ये मेरा क्या होगा E1, ठीक है। अब मैं अगर अपने E2 की बात करता हूं तो E2 मेरा किस पे डिपेंड करेगा, E2 मेरा नंबर्स ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सही, अगर नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे E1 से तो E2 आपका ज्यादा होगा E1 से, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ टर्न्स यानी N2 मेरे कम होंगे N1 से तो मेरा E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा E1 से कम होगा, मतलब बेसिकली E2 का मैग्नीट्यूड स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करेगा। तो यहां मैं जनरलाइज बना रहा हूं E2, सही, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक, तो ये आपका सिंपल फेजर है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां भी IM है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, IM की वैल्यू भी होती बहुत ही स्मॉल होती है, ज्यादा नहीं होता IM की वैल्यू, क्योंकि हमें अपने कोर को सिंपली मैग्नेटाइज कराना है, ठीक। तो ये हमने पहला टॉपिक देखा आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और लोड, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड, वो देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर और नो लोड, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं तो एक बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए, जब मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रही थी तो मैंने बोल दिया था कि भाई लॉसेस 0 है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेरा 0 है, लीकेज फ्लक्स की बात करूं वो 0 है, परमियबिलिटी की बात करूं वो इनफाइनाइट है, रिलक्टेंस की बात करूं तो वो 0 है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होगा भाई।
प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ठीक है, लोड तो नहीं लगा है, लेकिन कोर की वजह से कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे। कौन कौन से लॉसेस होंगे? जैसे एक लॉसेस होगा आपका एडी करंट लॉस। ठीक, एडी करंट लॉस की बात करते हैं तो यानी एडी करंट लॉस, ये एक लॉसेस होगा आपका। सही, वो बात की बात है, ज्यादा होगा कम होगा बात की बात है। दूसरा लॉस क्या होगा आपका? हिस्टैरिसिस लॉस, हिस्टैरिसिस लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसिस लॉस। सही, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए जनरली हम लैमिनेशन करते हैं। सही, और हम स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग का मतलब आपने देखा होगा कई सारी पत्तियां होती हैं, सही, स्टैकिंग होती है, हम उसे एक ऊपर एक लगाते हैं, तो हमारा एडी करंट लॉस के लिए होता है। सही, रिड्यूस करने के लिए। और हिस्टैरिसिस लॉस को अगर आपको रिड्यूस करना है तो क्या करोगे? हिस्टैरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप हाई ग्रेड मटेरियल, हाई ग्रेड मटेरियल कौन सी होती है आपकी? सिलिकॉन स्टील, वो यूज करते हो। सही, सिलिकॉन स्टील। सही, इससे आपके हिस्टैरिसिस लॉस कम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होने हैं, पत्थर की लकीर है। ठीक है, वो लॉसेस कम होते हैं वो बात की बात है, और लॉसेस भी आपके मेजरली प्राइमरी में होंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी तो आपके ओपन सर्किट है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम वही रहेगा, बस आप प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम सेम है, फेजर डिफरेंस आएगा। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेकेंडरी के लॉसेस आई टू करंट फ्लो नहीं करेगी, वो तो लगभग जीरो रहेगी, तो बात खत्म हुई। लेकिन प्राइमरी में तो आपकी करंट फ्लो कर रही है ना, तो यानी कॉपर लॉसेस आपके होंगे। तो यानी यहां पे आपका, मैं अगर बात करता हूं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की, तो यहां पे आपकी जो करंट होती है नो लोड करंट, सही, जो आपकी आई वन फ्लो कर रही थी वो आपके दो पार्ट में ब्रेक होती है। इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम आपका कैसे बन सकता है? सिंपल, ये मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए बना रहा हूं। देखिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका इंडक्टेंस। सही, ऐसे करके डायग्राम में हमारा आई वन करंट जा रही थी, यहां पर हमारा I0 करंट जा रही है, I0 यानी नो लोड करंट। सही, अब जो I0 है आपकी, इस I0 की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगा आपका IW, ठीक है, दूसरा होगा आपका IM। सही, ये आपका क्या होगा? RW, ये क्या होगा आपका? JXM। सही, तो यहां पे देखिए IW IM का क्या क्या होता है। अगर मैं IW की बात करता हूं, सही, तो ये जो यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, कॉपर लॉसेस हो रहा है, ये आपकी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आईएम किसे रिप्रेजेंट कर रही है? आईएम आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब जो आपके कोर में फ्लक्स को प्रोड्यूस करा रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने वाले हैं, जब भी पॉइंट ऑफ व्यू से आई नॉट आपकी क्या है, आई नॉट है आपकी, मैं थोड़ा और लेफ्ट में लिख रहा हूं, आई नॉट है आपकी नो लोड करंट। ठीक, नो लोड करंट। उसके बाद में अगर बात करूं आई डब्ल्यू आपकी क्या है, आई डब्ल्यू है आपकी वॉट फुल करंट, वॉट फुल करंट। ठीक, अगर मैं बात करूं आई एम की, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट की, तो आई एम क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, और वॉट लेस करंट। सही, ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सारे पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं, वॉट लेस करंट। सही, इसका दूसरा नाम हो जाता है और एक्टिव करंट, या फिर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। सही सही, तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सही, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम और भी पूछा गया है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं आई नॉट की वैल्यू की बात करूं तो इसे याद रखिएगा, 2 से 5% ऑफ, 2% to 5% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल आपका सेम वही रहेगा, बस लॉसेस वाली कहानी आपकी और ऐड हो गई है। तो अगर मैं फेजर की बात करूं तो फेजर आपका कैसे बनेगा? फेजर देखिए, फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल होगा क्या, मैंने क्या बनाया था यहाँ पे आईएम, सही, इसे मैंने आईएम मान लिया, मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि इसकी वजह से आपका फ्लक्स आ रहा है। सही, तो यानी ये क्या हो गया आपका फाइन। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने वाला होता है,
कि भाई हम ट्रांसफार्मर का फिगर जब भी बनाएंगे तो हम फ्लक्स को रेफरेंस फेजर मानेंगे। क्यों मानेंगे? दरअसल फ्लक्स को रेफरेंस फेजर इसलिए मानेंगे क्योंकि ये मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कॉमन क्वांटिटी है, तो मुझे इससे आसानी होगी। अदरवाइज तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो फेजर बनाने के लिए रेफरेंस। लेकिन जो कन्वेंशन कन्वेंशन जो चला आ रहा है वो यही चला आ रहा है, इसलिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं। और लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि भाई वो कॉमन क्वांटिटी है। तो चलिए आपके आईएम हो गए। अगर मैं बात करूं बी वन की, सही, तो ये आपका बी वन होगा। मैंने आपको बताया कि भाई ये मेरा इंडक्टिव नेचर का होगा, है ना। जब मेरा इंडक्टिव नेचर का होगा तो यानी बी वन मेरा ऐसा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्या होगा, कहने से ऐसे जो मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी उससे लैग करेगी, सही। अब यहाँ पर 90 बना रखा, उसका 90 से कम हो, मगर ये करंट हो आपकी, वो सॉरी ये वोल्टेज हो, वो बात की बात है। यहाँ पे हमारा आई एम हो गया यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, सही। अब मैं अगर बात करूँ अपने आई डब्ल्यू की, सही, तो वो मेरा इसके फेज में बनेगा आई डब्ल्यू, ठीक है, ये बात हो गई। अब मेरा आई नॉट क्या निकल के आएगा, आई नॉट निकल के आएगा फेज में, देखिए रेजिस्टेंस है, सही, रेजिस्टेंस है क्रॉस वाला शो कर रखा है और वहां मैंने इंडक्टेंस शो कर रखा है। तो चलिए क्या है, ये मेरी आई नॉट आ गया, सही, और इस एंगल को मैं बोलूंगा फाइव नॉट, सही। इस फाइव नॉट का नाम क्या होता है, इस फाइव नॉट को बोलते हैं हम नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है, सही। तो अगर मैं 5 नॉट की बात करूं तो जनरली ये ग्रेटर देन 75 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और एक बात आपको और बताया cos phi वाली, जितना ज्यादा आपको 5 नॉट की वैल्यू होगी पावर फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा, सही। cos आपको पता ही है वैल्यू, तो क्या है ये आपकी 5 नॉट हो गई। e1 e2 की बात करूं तो e1 e2 आपका कैसे बनेगा, मैंने बताया E1 और E2 आपके सेम फेज में होंगे। E1 का आपका इसके बराबर होगा, लेकिन अगर E2 की बात करूं, E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा N2, जो आपके नंबर हो सेकेंडरी टर्म से उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरा IN की वैल्यू क्या होगी, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, सही। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मैं अपना एंगल, अगर मैं एंगल के साथ चलता हूं तो मेरा cos वाला टर्म आता है, और एंगल के अपोजिट में चल रहा हूं तो sin वाला टर्म आता है, याद करने का तरीका है। तो मैं इसे एंगल तो मेरा ये, तो मैं इसे ऐसे लेके जा रहा हूं, यानी i not sin phi not, i not sin phi not, ठीक है। ऐसे अगर मैं iw की बात करूं, iw की वैल्यू क्या है, iw बराबर इसे मैं एंगल के साथ लेके चल रहा हूं, यानी I not cos phi, I not cos phi not, सही। सेम अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपल I वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों का सम करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, IN स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, क्या होगा देखिए, चलिए कर लेते हैं, IN स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, तो वहां पर क्या सॉल्व हो क्या आएगा, I not स्क्वायर sin स्क्वायर phi not प्लस I not स्क्वायर cos स्क्वायर phi not। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, IN स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर बराबर, आपको रिलेशन पता है, I not स्क्वायर sin स्क्वायर phi not प्लस cos स्क्वायर phi not, ठीक है। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे रिलेशन पता है, ये आपकी इक्वलिटी होती है, ये क्या होता है 1, यानी I not स्क्वायर बराबर IN स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, यानी I not इक्वल टू अंडर रूट IN स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इस पर निर्णय कर आपके जेई के एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं, चाहे आप SSC जेई की बात करें या फिर RRBJE की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ये आप ये वैल्यू जो आपकी पूछी जा चुकी है एक दो बार एग्जाम में कि 5 नॉट की कितनी वैल्यू होती है, 5 नॉट की वैल्यू पूछेंगे तो पावर फैक्टर पूछ लेंगे, तो पावर फैक्टर बहुत ही कम होगा cos phi, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी 5 नॉट एंगल की वैल्यू होगी cos में वो वैल्यू उतनी कम होती जाती है, सही, रिवर्स वाली बात होती है। तो ये बेसिकली आपका था प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड, सही। हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, हमने इस लेक्चर में पढ़ा पहले आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड, उसमें ये कोई चीज नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उसका हमने लॉसेस को नेगलिजिबल करा था, लॉसेस हमने
जीरो पर रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड कंडीशन पे भी प्राइमरी साइड की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी साइड पे तो आपके लॉसेस होंगे ना, वाइंडिंग का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई सही, तो यानी कॉपर लॉसेस तो होने ही है, कोर लॉसेस तो होने ही है। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में फेजर बताएंगे और डायग्राम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।